लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य किसानों को मिले और किसान की फसल मंडी के अंदर और मंडी के बाहर भी फसलों का उचित भाव मिले, यही किसानों की लंबे समय से मांग रही है। पर सरकार में बैठे सभी लोगों का ध्यान कभी किसानों की ओर नहीं गया। इसी कारण भारत का किसान आत्महत्या कर खेती छोड़ रहा है। पदम सिंह चौहान की रिपोर्ट। रोड जाम कर दियो और एक दिन में एक प्रचार पर एक मोबाइल पर वहां पर 3000 किसान इकट्ठा हुई था एक दिन में खाली। और रोड जाम करो तो आपने कल को पेपर भी पढ़े हो ना, आज को भी पढ़ी लीजिए, क्योंकि हमारा भारतीय किसान संघ का तहसील अध्यक्ष राधेश श्याम जी पटेल मंदसौर तहसील का था, उनने भी हमको मोबाइल पर राधेश श्याम भाई को डाले की देखो भाई हमारा यहाँ का किसान सिर्फ एक दिन की आज आज में कहा पड़ी रात में फोन नंबर छोड़ दिया उन्होंने वैसे, और सुबह 12 बजे 3000 पब्लिक रोड पर इकट्ठी हुई गई और उन्होंने रोड जाम कर दियो। कौन गए के कलेक्टर में, तो कलेक्टर हमारा जनप्रतिनिधि है और जनता का सेवा का उनका भी आना पड़ा। 3 घंटा जाम रहो, कलेक्टर महोदय जी आया और मुख्यमंत्री जी ने हम से आदेश करो कि किसानों की फसल नुकसान हुई है, सारे मंत्री विधायक रख जाओ, खेतों में जाओ, सर्वे करो और 7 दिन के अंदर इनकी रिपोर्ट बना के दो और किसानों को 10 दिन के अंदर इनके राहत राशि आरबीसी धारा 6000 के अंतर्गत दो। और कल का पेपर में तो कि बीमा कंपनी को आदेश दिया जाए कि किसान की फसल खराब हुई है उस किसान को बीमा दिया जाए, लेकिन पुनासा तहसील में पुनासा तहसील की 75% राहत राशि कमलनाथ शासन की बाकी छे, 34% अभी 2020 की बाकी छे। और यहाँ तक बुद्धिजीवी पढ़े लिखे कोई सरपंच कोई जिला परिषद कोई अध्यक्ष कोई मंत्री का कोई नेता कोई सब पढ़े थे, आप जानो कि व्यक्ति बदल सकता है कानून नहीं। अगर कमलनाथ जी की जगह हम भी मुख्यमंत्री हूं तो हम भी नहीं, तो क्योंकि कानून मान के आरबीसी धारा 6000 के अंतर्गत आज खुद पुस्तक लिख रहे खुद मुख्यमंत्री जी कह रहे नई दुनिया पेपर पढ़ी लीजो आज। मैं ये बताओ भाई, तो बैनर तले आज जो धरना प्रदर्शन किया गया, क्या समस्याएं थी आपकी जो आपको यहाँ तक आना पड़ा और इतना बड़ा प्रदर्शन करना पड़ा? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे के लिए यहाँ से वहाँ से यहाँ पधारे। भारतीय किसान संघ को धरना आंदोलन इसलिए करना पड़ा साहब कि आज 124 तहसीलों में लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य के बारे में ज्ञापन दिया गया राष्ट्रपति महोदय, वो तो है ही, पर हमने 4/1/2021 को 22 बिंदुओं पर SDM महोदय के द्वारा कलेक्टर महोदय को अवगत कराया था कि कहीं नहर की समस्या, बिजली की समस्या, तुम्हारे पंचायत विभाग की समस्या, मूंग वालों की समस्या, इन 22 बिंदुओं का हमको लिखित में जवाब चाहिए, अन्यथा क्योंकि बार बार आवेदन निवेदन 3-3 साल से नहर विभाग के हम चक्कर काट रहे हैं, किसान पर अभी तक कोई संतुष्टजनक जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए परेशान होकर किसानों को आज रोड पर उतरना पड़ा। और आगे 4-6 रोज का हम इनका टाइम देते हैं, इनको क्या कर रहे हैं, नहीं तो फिर वो जो इस प्रकार से दिल्ली में हुआ है उसी प्रकार से आज मानधाता से शुरुआत होगी साहब यहाँ से, क्योंकि को आपके कार्यालय पर आकर धरना प्रदर्शन करना पड़ा और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देना पड़ा, ये समस्याएं क्यों उत्पन्न होती बार बार किसानों के साथ में? क्या आपकी जो पटवारी वगैरह ये ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं या सिस्टम काम नहीं कर रहा है? देखिए, सिस्टम तो अपने तरीके से काम करता है और सब कार्यालयों में काम होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी भी कार्यालय में काम नहीं होते हैं। हाँ, हो सकता है किसी स्तर पे काम नहीं हुआ, तो सभी से जो भी किसान संघ के हमारे लोग आए हैं सभी किसानों से निवेदन है कि आप संबंधित अधिकारी से एक बार मिल लिया करें कि आपका निराकरण हो जाए, अधिकारी के नॉलेज में रहेगा कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो जो भी निचले स्तर का इंसान है उसे बुला के पूछ ले रहा कि इसका निराकरण हुआ है या नहीं हुआ है या किस स्तर पे फाइल लगती है। धन्यवाद मैडम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।